300 शेयर्स है, 503 के रेट पे, 2-3 साल होल्डिंग के लिए अभी भी प्लान है। क्या करना चाहिए उसको टारगेट? जो आपने प्लान, आपकी बाइंग अच्छी प्राइस पे प्लान आपने पहले ही बना रखा है। सत्यो साहब से ऐसा पूछ लूं कि ये सही स्टॉक है, सही भाव पे लिया है, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव है, ऐसा पूछ लेते हैं अपन, है ना? जी सत्यो साहब भाई, 500 की खरीद है, बढ़िया जैनी मैम की, 825 पे खड़ा हुआ है, और माने 3-5 साल रख लेंगे अगर आप हरी झंडी दे दो तो। आशीष जी, देखिए SBI इज मैं कहूंगा कि ये वन ऑफ द स्ट्रांग पिक है। ये जो रैली है इसको खींचने के लिए, इसको लीड करने के लिए SBI सबसे स्ट्रांग है। हालांकि होता यह कि सबकी नजर रहती है HDFC बैंक पे, लेकिन SBI वन वे चल रहा है, तो SBI पे हमारा जो बायस है वो पॉजिटिव है, और मुझे अभी भी लगता है कि इवेंचुअली ये 1000 को पार करेगा। रही बात लेवल की, तो देखो 780 का इसमें एक प्रेस ब्रेकआउट था, इट्स अ सिमेट्रिकल ट्राइंगल जिसका ब्रेकआउट इसने दिया था, और वो जो रेजिस्टेंस होता है जो हम वॉच करते हैं वो था 780। तो 780 के ऊपर फिर हमने एक बड़ी रैली देखी 820, 830 जो करंट प्राइस है, तो अभी भी लगता है ये बेस बना बना के चल रहा है। तो आप पकड़ के चलिए 800 और 780, ये बेस बनेगा, जिनके लिए फ्रेश एंट्री करनी है वो इस लेवल को याद रखे, और इवेंचुअली ये 1000 के पार जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 750 का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है इस लॉन्ग पोजिशन को होल्ड करे, डिप में ऐड करे।